हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके यूट्यूब चैनल सेल्फ हेल्प में स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था रैखिक समीकरण की संगतता असंगतता हल के बारे में। आज उसी समीकरण को हम ग्राफीय विधि से किस प्रकार से हल करते हैं और ग्राफ के द्वारा हल की प्रकृति कैसी होती है उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। चलते हैं वीडियो पर। अपना सवाल जो लिखा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि से हल कीजिए और हल की प्रकृति बताइए। हमारे पास दो समीकरण दी हुई है, एक तो ये है, दूसरी ये है। देखिए, ग्राफ में बनाने के लिए हमें कम से कम तीन बिंदुओं की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये रैखिक समीकरण है। कोई भी तीन बिंदु अगर एक सीध पे है उसको हम रैखिक समीकरण के नाम से सहरैखिक कहते हैं और रैखिक। तो इसके लिए हम तीन बिंदु ज्ञात करते हैं। उसके लिए आप पहले इस प्रकार से एक सारणी बना लेंगे। ये आप की सारणी है जिसमें x लिख देंगे या y लिखेंगे और इसके तीन कॉलम बना देंगे। अब आपको क्या करना है, इस समीकरण के तीन मान ज्ञात करना है। इस समीकरण को मैं क्या करता हूं, x बराबर 3, इस y को उधर पक्षांतरण कर लेता हूं, इस रूप में बदल दिया। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, एक चर का कोई, हाँ दोस्तों ध्यान से सुनेगा कि एक चर यानी इधर जो चर है आपका, उसका मान अपने मन से रखना है। किससे रखना है, अपने मन से, लेकिन लगभग छोटा ही मान रखना है और वैसा मान रखना है कि अपनी जहां तक कोशिश हो पूर्णांक संख्या ही आए। देखो दशमलव में भी आ सकती है, लेकिन कोशिश अपनी यही रहनी चाहिए कि पूर्णांक पे आ जाए। अब जैसे मैं वाई बराबर में 0 लेता हूं, यहां 0 रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद वाई बराबर 0 तो एक्स बराबर अपने पास 3 - y। ठीक है आपका, इसका मतलब हो गया एक्स बराबर आपके पास 3 आ गया। ये आपका पहला बिंदु हो गया। ठीक है दोस्तों, फिर हम वाई बराबर जैसे मैं 1 लेता हूं तो अपने पास एक्स बराबर, ये यहां पे इसी समीकरण में रखना है, 3 - 1 = 2। यानी कि वाई बराबर हमने 1 लिया तो एक्स का मान 2 आ गया। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार अगर मैं आगे आपका y बराबर 2 लेता हूं, ये y बराबर मैंने 2 लिख दिया यहां पे, और इस समीकरण के अंदर x बराबर 3 - y की जगह 2 रखने, ये 2 रख दिए तो x बराबर अपने पास क्या आ गया, 1 आ गया। इस प्रकार से तीन बिंदु हमने इस समीकरण के ज्ञात कर लिए। अब इसी प्रकार तीन बिंदु इसके भी हमें ज्ञात करने हैं। और इसको देखिए हमें क्या करना है, यहां पर जैसे इसमें हमने पक्षांतरण किया, इसमें पक्षांतरण इसमें भी करेंगे, लेकिन मैं इसको इस प्रकार से करता हूं, 3x - 4 = 2y। यानी 2y को मैंने उधर पक्षांतरण किया और 4 को इधर किया। ठीक है ना, तो 2y बराबर अपने पास 3x - 4 और y बराबर अपने पास 3x - 4/2। क्योंकि 2 का भाग देना आसान है और 2 से हमने पूर्ण संख्या आसानी से या दशमलव में आधी संख्या प्राप्त होती है, इसलिए 2 का 3 में हम भाग 3 का भाग देते हैं तो दशमलव में संख्याएं ज्यादा आती है, इसलिए हमने 2 को इधर पक्षांतरण किया और 3 को इधर ही रखा। अब हम यहां पर मैंने कहा था आपको किसी भी चर का मान आप रख सकते हैं। इधर x है, x बराबर मैंने 0 रखा, ये x बराबर 0 रख दिया। ठीक है दोस्तों, अब अपने पास क्या है, देखिए ये आपके पास y = 3 × 0 - 4/2, यानी कि आपका 0 - 4/2 = -4/2। ठीक है ना, बराबर y बराबर अपने पास क्या गया, -2, ये -2 आ गए। ठीक है दोस्तों, अब हम रखते हैं x का मान, वापस रखेंगे x = जैसे कि मैं रख देता हूं 2। ठीक है ना, x बराबर मैंने क्या रखा, 2 रखा, यहां 2 रख देंगे। ठीक है, तो अपने पास y बराबर क्या रहेगा, 3 × 2 - 4/2 = 3 × 6 - 4/2 = 2/2 = 1। ना दोस्तों आपका 1 आ गया। इसी प्रकार से अगर हम यहां पर x का मान जैसे कि 0 रख दिया, 2 रख दिया, हम चाहे तो 1 भी रख सकते हैं, 2, 3 भी रख सकते हैं। x का मान जैसे मैंने 1 रखा
तो y का मान अपने पास क्या आएगा दोस्तों, ये अपने पास देखिए ये आपका 3 × 1 − 4/2 यानी कि आपका 3 − 4/2 यानी कि −1/2। वाई का मान क्या आया? −1/2 आ गया। ठीक है दोस्त, चलिए अब हम इन बिंदुओं को ग्राफ के ऊपर ड्रा करते हैं। हमने सारणी बना रखी है, ये अपनी सारणी है, इसको हम ग्राफ बनाते हैं। आप बीच में से जो गहरी लाइन है ये, यहाँ पर आप बीचों बीच लाइन खींच देंगे, इस प्रकार से रेखा खींचेंगे और दो लंबवत रेखाएं खींचनी है। ये लाइनें खींच दी, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पैमाना लिखना है, पैमाना एक खाना बराबर एक इकाई। ठीक है, ये आपका एक गहरी लाइन से गहरी लाइन के बीच में निशान लगाने इस प्रकार से, और इनको हम एक खाना बराबर एक लिखा इकाई लिखा है, यहाँ एक लिखेंगे, फिर दो लिखेंगे, तीन लिखेंगे, चार लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, और ये आपका x अक्ष होगा, ये आपका y अक्ष होगा, ये x डैश होगा, ये y डैश होगा। इसी प्रकार इधर भी आपकी ये एक खाना है, यहाँ इस प्रकार से निशान लगा देंगे, इधर आपका −1, −2, −3, −4, इधर आपका −1, −2, −3 और −4। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार y में एक, ये एक है, दो है, तीन है, और ये आपके पास चार हो गए। अब हमें क्या करना है, यहाँ से सारणी देखनी है। सारणी में आपका x का मान 3 है, y का मान 0 है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये x अक्ष पे आपका y का मान हमेशा 0 होता है, यहाँ से 0 से चलते हैं और x का मान आपके यहाँ पे आपके 3 पे जो आ रहा है, यहाँ पे हम इस प्रकार से निशान लगा देते हैं। फिर दूसरा मान देखते हैं, दूसरे मान में आपका x का मान 2 है, y का मान 1 है। ये आपका x का मान 2 है, यहाँ से हम ऊपर की तरफ चलते हैं और y के मान की तरफ इधर से आते हैं, जहाँ दोनों लाइनें प्रतिच्छेद होती है वहाँ पे निशान लगा देते हैं। ये लाइन जैसे यहाँ यहाँ प्रतिच्छेद हो, यहाँ लगा दिया। उसके बाद आपका दूसरा तीसरा बिंदु है, x का मान 1 है, y का मान 2। x का मान ये आपका x अक्ष पर 1 है, यहाँ से हम सीधे ऊपर चलते हैं और इधर से y का मान 2 है, जहाँ है वहाँ आप निशान लगा देते हैं। फिर स्केल की सहायता से हमें क्या करना है, इनको मिला देना है इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम इसको मिला देंगे, ये आपकी एक रेखा, एक रेखिक समीकरण बन गई। ये वाली आपकी है x + y = 3। अब आपके पास दूसरी समीकरण जो है वो है आपकी, जिसमें x का मान तो 0 है, y का मान −2 है। तो y का मान देखिए आपके पास नीचे 0, ये 2 है, −2 यहाँ, और x का मान y अक्ष पे हमेशा 0 होता है, तो ये यहाँ पे आपका बिंदु 0 हो जाएगा। ये मूल बिंदु होते हैं, इसको 0 0 से लिखते हैं हम। ठीक है दोस्तों, यहाँ 0 से 2 तक, −2 तक आ गए, ये निशान हो गया। फिर दूसरा निशान आपका, x का मान तो 2 है, y का मान 1 है, ये आपका x का मान 2, y का मान 1, ये वाला यहाँ पे सेम निशान यहीं पे लगेगा, से पहले पे भी लगा हुआ है। और तीसरा बिंदु अपना है 1, x का मान तो 1 है, y का मान −1/2 है, ये आपका 1 है, और y का मान जो है आपका, ये बीच बीच 5 नंबर पर जो लाइन आएगी उस पर आपको x का मान आपका 1 यहाँ है, आधा इधर आएगा, यहाँ पे मिलेगा। इस प्रकार से इस रेखा को हम आगे बढ़ा देते हैं इस प्रकार से, तो जहाँ पर प्रतिच्छेद होती है वो अपने को इसके हल होते हैं। यहाँ पे देखिए x का मान तो आपका क्या है, 2 है, और y का मान आपका क्या है, 1 है। इस प्रकार से रेखाएं क्या हो रही है, प्रतिच्छेद हो रही है। क्या हो रही है, प्रतिच्छेद। इसका मतलब ये जो हल है, मूल की प्रकृति है आपकी, संगत होगी और अद्वितीय हल होगा। क्या होगा साथियों, अद्वितीय हल। ये आपका ग्राफ हो गया। −2x − y = 4, x + y = −1, दो समीकरण है, इनको ग्राफीय विधि से बनाने के लिए उसी तरीके से हम क्या करते हैं, पहले सारणी बना लेते हैं। इस प्रकार से मैंने जैसे सारणी बना ली है, ये x, y, ये और 3 भाग कर लिए। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार इसके भी मैं 3 भाग कर रहा हूं, इसको मैं इधर पक्षांतर कर रहा हूं, 2x - 4 = y, इन 4 को मैंने इधर पक्षांतर किया
वाई को उधर स्थानांतरण किया, अपने पास हो गया वाई बराबर दो एक्स माइनस चार। ठीक है दोस्तों, अपने पास क्या करना, जैसे यहां पर इधर x है, x का मान हमें मानना है, जैसे x का मान मैं जीरो लेता हूं, यहां पे हम जीरो रख देंगे, तो ये समीकरण अपने पास y दो इंटू जीरो माइनस चार। ठीक है दोस्तों, अपने पास हो गया दो को जीरो से गुणा करके जीरो माइनस चार बराबर आपके पास क्या आएगा, ये माइनस के चार रहेंगे, यहां आप माइनस चार लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आप एक्स का मान फिर मानेंगे एक और, जैसे एक मान लिया तो वाई बराबर अपने पास क्या हो गया, इस समीकरण में रखेंगे दो गुणा एक, क्योंकि एक का मान एक माना है, माइनस चार, यानी कि दो माइनस दो से एक को गुणा के दो माइनस चार बराबर माइनस के दो, यानी कि हमने एक्स का मान एक माना है, तब वाई का मान क्या है अपने पास, माइनस के दो आ गए। ठीक है दोस्तों, अब इसी प्रकार अगर हम एक्स का मान जैसे कि दो मान लेते हैं, एक्स का मान क्या माना हमने, अपनी मर्जी से ही मानना है, कोई सा भी माना, लेकिन मानना ऐसा है कि लगभग पूर्ण संख्या आ जाए। ठीक है दोस्तों, अपने पास y इज इक्वल टू दो गुणा दो माइनस चार, क्यों x की जगह इसमें दो रख दिया, दो मान लिया हमने, अपने पास चार माइनस चार बराबर जीरो आ गया, यानी कि आपके पास y का मान क्या आ गया, जीरो। इस प्रकार से इस समीकरण के जो मान है तीन बिंदु हमने ज्ञात कर लिए, उसी प्रकार हम इस इन के बिंदु ज्ञात करते हैं, तो अपने पास इसको देखो एक्स बराबर माइनस वन माइनस वाई, क्या करना है यहाँ पे माइनस का वाई, इसको उधर पक्षांतरण कर दिया। अब हमें वाई का मान लेना है, वाई बराबर जैसे इधर जो चर लेते हैं हम, उसी का मान हमने मन से रखना है, और माइनस जीरो, यानी कि आपके पास क्या आ गया, माइनस का एक आ गया एक्स का मान। ठीक है, अब दूसरा मान लेते हैं वाई बराबर जैसे आप एक ले लेते हैं, ठीक है एक लिया, तो एक्स का मान अपने पास क्या गया, माइनस एक, माइनस और एक हमने माना, तो अपने पास क्या गया, माइनस के दो हो गए, यानी वाई का मान एक माना है, ये माइनस का दो आ गया। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार अब आप एक तीसरा मान और ले लेते हैं, वाई का मान जैसे कि आपने ले लिया दो, ठीक है, तो एक्स का मान अपने पास क्या रहेगा, माइनस एक लिए ही, और माइनस वाई की जगह हम क्या रखेंगे, दो रखेंगे, तो एक्स का मान अपने पास क्या हो गया, माइनस के तीन, वाई का मान हमने दो माना है, तो एक्स का मान क्या आया, माइनस का तीन आया। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज, हाँ तो साथ ही अपनी ये सारणी बना रखी है, इस सारणी को मैंने ये पैमाना एक एक खाना बराबर एक इकाई ले लिया, दो लाइनें पहले की थी लंबवत रेखाएं, और इस पैमाने के साथ मैंने नाम दे दिया। अब हम ड्रा करते हैं ग्राफ, तो x का मान तो जीरो है पहले समीकरण में, y का मान क्या है अपने पास, माइनस के चार, ये आपका x का मान जो यहाँ इस y एक्स पे जीरो होता है, ये यहाँ पे चार पे निशान लगा दिया। अगला बिंदु है x का मान एक, y का मान माइनस दो, x का मान एक ये है और प्लस में है, y का मान माइनस दो इस तरफ आता अपना, यहाँ पे ये माइनस दो माइनस एक जहाँ मिलते, ये माइनस एक से चल रहा है प्लस से, ये y का मान माइनस दो, यहाँ बिंदु लगा देंगे। तीसरा बिंदु आपका x का मान तो दो है, y का मान जीरो है, यानी x अक्ष के ऊपर ही बिंदु आएगा, क्योंकि y यहाँ पे है, x अक्ष पे क्या होता है, जीरो होता है, ये जीरो यहाँ पे है, मूल बिंदु को जीरो जीरो लेते हैं, यहाँ से हम चलते हैं आगे, दो जहाँ है वहाँ हम निशान लगा देते हैं। इस प्रकार से अपना देखिए तीन बिंदु बन गए, और तीनों बिंदु को हम इस प्रकार से मिला लेते हैं स्केल की सहायता से, ये एक रेखिक समीकरण रेखिक रेखा हो गई, सीधी रेखा सरल रेखा। अब हमारे पास दूसरी रेखा है, इस रेखा का नाम भी लिख सकते हैं हम चाहे तो, दो एक्स माइनस वाई बराबर चार। अब अपने पास दूसरी जो रेखा है उसके बिंदु को हम ड्रा करते हैं, एक्स का मान माइनस एक है, वाई का मान जीरो है, देखिए ये एक्स माइनस एक्स डैश, इसको ये माइनस में है, ये माइनस में डैश है, तो एक्स का मान अपने पास माइनस एक यहाँ है, और वाई हमेशा यहाँ पर जीरो होता है, यहाँ हम बिंदु लगा देंगे। उसके बाद दूसरा बिंदु अपने पास दे रखा है, एक्स का मान माइनस दो और वाई का मान एक, एक्स का मान माइनस दो ये है, और वाई का मान आपके पास एक प्लस में है, तो ये ऊपर की तरफ इधर से एक आएगा, इधर से माइनस दो आएगा, ये निशान लग गया आपका। उसके बाद आपका तीसरा बिंदु, एक्स का मान तो माइनस तीन है, वाई का मान दो, ये एक्स का मान माइनस तीन इधर है, तो यहाँ से हम ऊपर चलते हैं, और जिधर आपका एक्स वाई का मान दो आएगा, उधर से जहाँ पर प्रतिच्छेद होते हैं रेखाएँ,
वो हम मिला देते हैं। उसके बाद स्केल की सहायता से हम क्या करते हैं, इनको इस प्रकार से मिला देते हैं और इसको आगे बढ़ा देते हैं। इस प्रकार आगे बढ़ाने पर ये आपकी रेखा हो गई x प्लस वाई बराबर माइनस एक। ठीक है दोस्तों, अब जहाँ पर ये मिल रहे हैं ये बिंदु आपका जहाँ पर दोनों रेखाएँ प्रतिच्छेद हो रही है, ये बिंदु जहाँ हैं हम पहले ये क्रमित युग्म होते हैं निर्देशांक x और y के, तो x का मान पहले लिखते हैं। x का मान अपने पास क्या आ रहा है यहाँ पे, एक है। ठीक है दोस्तों, ये एक लिखा, कोमा लगा दिया। फिर y का मान क्या आ रहा है, इधर इधर से देखते हैं, ये इधर से जहाँ प्रतिच्छेद हो रहा है उधर से हम सीधे सीधे चलते हैं, इधर से अपने पास माइनस दो पे आ रहा है, तो यहाँ माइनस दो। चूँकि रेखाएँ एक ही बिंदु पर कट रही है, प्रतिच्छेद हो रही है, प्रतिच्छेद है, तो ये जो हल है आपका संगत होगा और अद्वितीय हल होगा। ठीक है दोस्तों, है कि x प्लस वाई बराबर पाँच, दो एक्स प्लस टू वाई बराबर आपका दस है। इसको क्या करते हैं, पहले एक चल को उधर पक्षांतर बराबर माइनस का y कर दिया, फिर आपके इस प्रकार से तीन मान ज्ञात करने के लिए हम सारणी बना देते हैं। कम से कम तीन ज्ञात करना, तीन से ज्यादा हमें ज्ञात नहीं करने हैं। ठीक है दोस्तों, ये दो एक्स बराबर दस माइनस दो वाई, ठीक है, एक्स बराबर दस माइनस दो वाई बटा दो। इसी प्रकार इसकी भी सारणी बना लेते हैं हम ये। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके मान ज्ञात कर लेते हैं। इधर जो चर हमने रखा है उसका मान हमें रखना है, वाई इज इक्वल टू जीरो रख दिया, ठीक है ना, ये जीरो रख दिया। एक्स बराबर अपने पास पांच माइनस जीरो, ठीक है, इसका मतलब हो गया पांच, ये एक्स का मान आपके पास पांच आ गया। फिर वाई बराबर जैसे मैंने एक रखा, क्या रखा दोस्तों, एक रखा, यहां वाई का मान एक रख देंगे। एक्स बराबर अपने पास क्या है, पांच माइनस, यहां वाई की जगह एक रखना है, बराबर अपने पास पांच में से एक हटाएंगे क्या आएगा, चार, यहां हम चार रख देंगे। उसी प्रकार फिर वापस y बराबर जैसे कि मैं दो रख देता हूं, क्या रखता हूं, दो रख देता हूं, y बराबर मैंने दो रखा, ठीक है, x बराबर अपने पास क्या गया, पांच माइनस दो बराबर तीन, ये आपका यहाँ तीन आ गया। ठीक है ना, पांच, ये पांच माइनस y का मान दो रखा, दो, पांच में से दो गए तो तीन रह गए। ठीक है दोस्त, इसी प्रकार हम इसकी सारणी भी बना लेते हैं। जैसे यहाँ y का, इधर y है तो y का मान रखेंगे जीरो रखा मैंने, ये y का मान जीरो रख दिया, तो अपने पास x का मान क्या आएगा, दस माइनस दो इंटू जीरो बटा दो। ठीक है, अपने पास दो से जीरो का गुणा करेंगे तो जीरो आएगा, दस बटा दो यानी कि पांच आ गया, x का मान क्या आएगा, पांच। उसी प्रकार y का मान जैसे मैं एक रखता हूं, ये एक रखा, ठीक है दोस्तों, तो अपने पास x का मान आ जाएगा दस माइनस दो इंटू एक बटा दो बराबर दस माइनस दो बटा दो बराबर आठ बटा दो बराबर चार, चार लिख दिया। ठीक है ना, एक मान हमें और ज्ञात करना है, y का मान मैं जैसे दो लिख देता हूँ, यहाँ y का मान दो लिख दिया, अपने पास x बराबर क्या हो गया, दस माइनस दो इंटू दो बटा दो। ठीक है दोस्तों, दस माइनस चार बटा दो यानी कि दस में से चार गए तो छह बटा दो यानी कि बराबर तीन, x का मान कितना गया, तीन। इससे हम ग्राफ बनाते हैं। हाँ, तो अपना जो सवाल है इसमें देखो, आपने सारणी बनाई, सारणी में ये आपका एक समीकरण, इसके जो मान आए उसको हमने ग्राफ पर, ये लाइनें खींची क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लंबवत, पैमाना मान लिया हमने रेखाना बराबर एक इकाई। ठीक है दोस्तों, अब ये बिंदु जब हम ड्रा करते हैं तो एक्स का मान तो पाँच है ये, और वाई का मान जीरो, यानी वाई का मान जीरो हमेशा मूल बिंदु पर, इधर एक्स एक्स पे हमेशा जीरो होता है, यहाँ से आगे चलते जहाँ पाँच मिलता है वहाँ पर आप बिंदु लगा देंगे। फिर हम आगे दूसरा बिंदु देखते हैं, एक्स का मान चार, वाई का मान एक, यानी एक्स का मान आपका क्या है, ये चार है, यहाँ से हम ऊपर की ओर चलते हैं कि प्लस में है, वाई का मान इधर से चलते हैं जहाँ मिल जाते हैं, प्रतिच्छेद होते हैं वहाँ बिंदु लगा देंगे, ये बिंदु अपने लगा दिया। उसके बाद आपका क्या है, वापस ये आपका तीसरा बिंदु तीन और दो, एक्स का मान तीन है, ये एक्स का एक दो तीन है, ये तीन से हम ऊपर की ओर चलते हैं और इधर से वाई का मान जो आपका दो है जहाँ मिलते वहाँ पर हम इस प्रकार से निशान लगा देते हैं और हम इनको
स्केल की सहायता से मिला देते हैं इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, ये आपके पास मिल गए। अब देखिए दूसरी समीकरण लेते हैं। दूसरी समीकरण के अंदर भी क्या है आपका, x का मान तो 5 है, y का मान 0 है, यानी x का मान x x पे y 0 होता है। यहाँ से हम आगे चलते हैं, यानी दूसरी समीकरण का बिंदु है वो भी इसी पे आ रहा है आपका। ठीक है दोस्तों, ये बिंदु भी आपका इसी पे इसी जगह आ रहा है। और फिर दूसरा बिंदु लेते हैं इसका 4 और 1, ठीक है ना। x का मान तो 4 है और y का मान 1 है। ये x का मान 4 इधर चलते हैं, y का मान इधर चलते हैं, वापस इसी पे पहले बिंदु आया था उसी के ऊपर आ रहा है। उसी प्रकार तीसरा बिंदु, यहाँ x का मान 3 है, y का मान 2 हो, यहाँ बिंदु लगाते हैं। इस प्रकार ये तीनों बिंदु को मिलाते हैं, वापस वही लाइन बनती है। इसका मतलब ये जो रेखा है, रेखाएं आपकी क्या है, संपाति है, एक दूसरे के ऊपर। संपाति का मतलब एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से छाई हुई है। इसका मतलब ये हल जो है आपके संगत है और अनेक हल है। कौन से हल है, अनेक हल। ग्राफीय विधि में अगर संपाति आती है तो इसका मतलब अनेक हल होते हैं, अनंत हल होते हैं इसके। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न है, इसको हम इस प्रकार से सारणी बनाते। पहले हम पक्षांतर कर देते हैं, वाई इज इक्वल टू 2 - 3x, ठीक है ना। और फिर इसकी सारणी बना ली हमने इस प्रकार से, बिंदु ज्ञात करने हैं। उसी प्रकार में इसको भी पक्षांतर कर देता हूँ, इधर जाएंगे प्लस के 3y और x बराबर 5 + 3y/2, ठीक है ना। और इसकी ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पर x का मान रखते हैं। इसमें बात करते हैं x बराबर, जैसे 0 ले लिया हमने, क्या ले लिया दोस्तों, x बराबर 0। तो y बराबर अपने पास क्या आएगा, x बराबर 0 रखा तो 0 यहाँ लिख दिया, y माइनस 3 × 0, मतलब आपका इसको 3 को 0 से गुणा, 0 आएगा बराबर 2। y का मान अपने पास क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब जैसे मैं x का मान 1 लेता हूँ, ठीक है, एक x बराबर मैंने 1 लिया, y बराबर अपने पास क्या गया, 2 - 3 × 1, यानी कि अपना 2 - 3 × 1 = 3 - 1, ये y का मान आपने पास -1 आ गया। ठीक है दोस्तों, और x बराबर जैसे हम 2 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, x बराबर 2 लिया तो अपने पास देखिए, अपने यहाँ पर y बराबर 2 - 3 × 2, यानी कि आपका 2 - 6 - -4, यानी कि आपका x का मान 2 लिया है तो y का मान क्या है अपने पास, -4 आ गए। ठीक है ना, इसी प्रकार हम इधर ज्ञात करते हैं, यहाँ पर y का मान इधर अपने चर क्या लिया हमने, y लिया है तो हम y का मान ही रखेंगे पहले, y का मान अपने मन से रखना है। जैसे मैंने यहाँ रख दिया y बराबर 0 तो आपका x बराबर क्या हो गया, 5 + 3 × 0/2, 5/2 हो गया, 2.5 हो गया, ये आपका 2.5, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही आपका यहाँ 2.567 इस तरह से अलग रहता है मान 2.567, इसको हम ग्राफ में ड्रा नहीं कर सकते हैं, इसलिए ऐसे मान को लाने से हमें बचना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा मान लेते हैं, जैसे कि y बराबर जैसे 1 माना या 1 लिख दिया तो x बराबर अपने पास क्या हो गया, 5 + 3 × 1/2, ठीक है ना, 5 + 3/2, यानी कि आपका 8/2 = 4, ठीक है, x का मान आपके पास 4 आ गया। उसी प्रकार अगर आपका y बराबर जैसे मैं 2 ले लेता हूँ, y बराबर मैंने 2 ले लिया, y बराबर 2 लिया है तो अपने पास x बराबर 5 + 3 × 2/2, ठीक है ना, तो 5 + 3 × 6/2, यानी x बराबर अपने पास 11/2, ठीक है, तो अपने पास 5.5, यहाँ पे आप 5.5, इसको हम ग्राफ पे आसानी से ड्रा कर सकते हैं, बाकी को हम ड्रा नहीं कर सकते, इस प्रकार के मान को हम ड्रा नहीं कर सकते, तो इस प्रकार के मान हमें नहीं लेने चाहिए। उसके अनुसार अपनी जो सारणी 2 है, ये समीकरण 3x + y = 2 की सारणी ये बनाई हमने, जिसमें आपका पहला बिंदु 0 और 2, x का मान 0 है, y का मान 2 है, यानी x का मान y x पे क्या, ये x x है आपका, ये y x है, ये x डैश है, ये y डैश, ठीक है ना। तो अपने पास x का मान y x पे हमेशा 0 होता है, यहाँ से हम ऊपर इस अक्ष के ऊपर चलते हैं,
जहाँ दो आते हैं वहाँ पे हम क्या करते हैं, निशान लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दूसरा बिंदु आपका x का तो एक है, y का आपके पास माइनस एक है। ये x का मान एक हो गया, यहाँ से हम नीचे चलते हैं, इधर से एक आता है माइनस एक, वहाँ पे हम बिंदु लगाएंगे इस प्रकार से। फिर अपना तीसरा बिंदु देखते हैं, x का मान आपके पास दो है और y का मान माइनस चार है। x का मान ये देखिए आपका x अक्ष है, यहाँ से दो ये है, यहाँ से हम नीचे चलते हैं आपके पास माइनस चार, ये इधर माइनस चार, ये प्लस के दो, यहाँ आप लग गया बिंदु लगा दिया हमने। इन बिंदु को हम स्केल की सहायता से मिला देते हैं, ये मैंने मिला दिया। इसके बाद आपको दूसरी सारणी जो दे रखी है उसको ड्रा करना है। इसमें आपका x का मान 2.5, y का मान 0 है, यानी कि x अक्ष पे जो y है हमेशा 0 होगा, यहाँ 2 है और इसके बीचों बीच आपका क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ 2.5 हो गया। अब दूसरा बिंदु इसका दे रखा है कि x का मान तो 4 है, y का मान 1 है, ये यहाँ x अक्ष पे से चलते हम आगे, ये 4 है, 4 से हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और इधर y का 1 की तरफ से बढ़ते हैं, जहाँ मिलते हैं वहाँ हम जहाँ प्रतिच्छेद करते हैं वहाँ बिंदु लगा देते हैं। ठीक है ना दोस्तों, फिर अपना अगला जो बिंदु है तो वो आपका x का 5.5, ये आपका x का 5.5, यहाँ से ऊपर चलना है, दो जहाँ आए वहाँ हमें निशान लगाना, ये इधर से आएंगे, इधर से देखिए दो की सीध से जहाँ यहाँ तक पहुँचते हैं और दो 5.5 से ऊपर जाते हैं, इस प्रकार निशान लगा देते हैं। अब अगर हम इनको मिलाते हैं इस प्रकार से, ये मिल गए दोस्तों, ठीक है ना। अब जहाँ पर मिलते हैं, जहाँ पर मिलते हैं यहाँ मिले, देखो x की सीध पे अपन यहाँ से क्या एक ऊपर की ओर चलते हैं, यहाँ x का मान कितना है, एक, तो हम यहाँ एक लिखेंगे, और यहाँ y का मान कितना है, इधर से ये माइनस एक है। ठीक है दोस्तों, अब अपने पास अगर रेखाएं एक जगह प्रतिच्छेद होती इस प्रकार से, तो इसका मान ये एक आ गया, इधर से माइनस एक आ गया, इसका मतलब ये हल है आपका क्या है, संगत है और अद्वितीय हल है। अद्वितीय का मतलब एक हल है, दो रेखाएं एक जगह प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है साथियों।